गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम शंभू सर, योर मैथ टीचर। वेलकम बैक टुडे। वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 2.5। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड वी हैव एक्सप्रेस एज अ रुपीस यूजिंग डेसिमल। मींस रुपीस में कन्वर्ट करना है, पैसे को रुपी में कन्वर्ट करना है और किसका यूज करना है, डेसिमल का। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 57 पैसे। चलिए तो ये आपको अंडरस्टूड है फर्स्ट वन कि 100 पैसे इक्वल्स टू होता है आपका कितना, 1 रुपी। ये तो अंडरस्टूड होगा आपको कि 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपी। तो नाउ यहाँ से हम 1 पैसे का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 1 पैसे इक्वल्स टू होता है 1/100 रुपी। ये वैल्यू इनटू से कहा जाता है डिवाइड में। Means 1 पैसे इक्वल्स टू होता है 1/100 रुपी। ये क्लियर हुआ। अब हम देखें कि 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपी, हम डायरेक्ट यहाँ ये यूज करते हैं कि 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपी, देन सिमिलर वैल्यू पुट कर दें किसका, 7 पैसे का वैल्यू हमें फाइंड करना है कि 7 पैसे को रुपी में कन्वर्ट कर दें, तो 7/100 रुपी। अब हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरो कितना है, तो नंबर ऑफ जीरो है 2, तो आपको 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल पुट करना होगा। तो 2 डिजिट के बाद की बात करते हैं, तो 2 डिजिट के बाद ऐसा होता है कि आपका 7 पैसे चल रहा है भाई साहब, ये आपको 7 1 से बेस से देखना है, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के आफ्टर। तो यहाँ से देखते हैं हम कि 7 तो है बट ओनली 1 डिजिट है, बट आपको डेसिमल 2 डिजिट के बाद पुट करना है, तो आप यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 0। सर 7 है, ये 0 बैक साइड पुट कर दे, बैक साइड तो उसका वैल्यू 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, वहाँ नहीं पुट कर सकते। तो ये आपने डेसिमल पुट कर दिया, मींस ये आपका हुआ 7 पैसे इक्वल्स टू 0.07 रुपी। इतना क्लियर हो रहा है भाई। अब आप देखिए सी है आपका सेकंड वन, आप ट्राई कर लेंगे। ये मिक्स में है 3 रुपीज़ और 9 पैसे, भाई मिक्स है, आपको इसको टोटल रुपी में कन्वर्ट करना है, 3 रुपी एंड 9 पैसे। तो फर्स्ट वन देखिए, ये तो आपका कन्वर्ट है, 3 रुपी तो रुपी में है, अब 9 को हम पैसे में कन्वर्ट कर लें, तो 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपी। नाउ वैल्यू पुट करते हैं, 9 पैसे इक्वल्स टू 9/100 रुपी। क्लियर, दैट वन क्या होगा। अब हम देखें तो 9 पैसे का वैल्यू जो मिलेगा आपको, वो मिला आपको 0.09 रुपी। क्लियर, कितना मिला, 0.09 रुपी। सिमिलर 0.07 रुपी है, तो यहाँ 0.09 रुपी। अब आप देखें कि आपके पास ऑलरेडी 3 रुपी तो था, तो आपको क्या करना है, 3 रुपीज 9 पैसे, तो ये आपका होगा 3 रुपी, इसको प्लस कर देते हैं, इसका 9 पैसे का वैल्यू क्या है आपके पास, 0.09 रुपी। अब हम देखें 3 है, इसको भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, 0.09 है, इसको प्लस कर दें, तो 9.03 मीन्स 3.09। क्या होगा आपका आंसर, 3.09 रुपी। ये आपका आंसर होगा, मीन्स 3 रुपी 7 पैसे इक्वल्स टू होगा 3 रुपी 09 पैसे। क्लियर, ये रुपी फॉर्म में हो गया। क्लियर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।